सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2024 और आज का दिन कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो आज इस संसार की एक महान विभूति, न्यूमिस्मेटिक और कॉइन फील्ड की एक ऐसी विभूति दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आपको देखने को मिलेगी किशोर झुंझुनवाला जी के 80वें जन्मदिन की कुछ खास झलकियां, जहां राजज्ञानी और द करेंसीपीडिया की टीम को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसे पूरे संसार में केजे अर्थात किशोर झुंझुनवाला जी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। और ऐसी महान शख्सियत के साथ हम मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं और आज इनका बर्थडे है। आज इन्होंने 80 वसंत अपने जीवन के पूरे किए हैं। आपके 80वें वसंत पर हमारे द करेंसीपीडिया के पूरी टीम की तरफ से अनिल गहलोत जी, पीयूष जी और राजज्ञानी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप शतायु हों, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसी लगन और ऐसी शक्ति एनर्जी बरकरार रखे, स्वस्थ रखे, ताकि इस संसार का आप और भी भला कर पाए। सर मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 100 वर्ष का जीने का आशीर्वाद दें। बिल्कुल बिल्कुल, विद ए कंडीशन कि मैं एक सेकंड भी फालतू नहीं बैठूं जी, कोई फालतू काम नहीं करूं जी, और पूरे बचे हुए जीवन में जी, आप लोग सबकी सेवा करते रहूं, रिसर्च करके कैटलॉग छपा के ज्ञान बांटने के लिए आपके सबके सवालों का जवाब देते हुए और मेरे भला करता रहूं। और हम जरूर चाहेंगे कि भारत सरकार के लिए भी आप एक ऐसा कैटलॉग बनाएं कि जो अमर हो जाए और जिससे जो भारतीय नोट और करेंसी है उसकी पहचान पूरी दुनिया में अलग तरीके से देखी जाए, और जो रिजर्व बैंक में नोट छप रहे हैं उनका जो कैटलॉग नहीं है उसमें आप अच्छे से उनको समझा के गाइड करके और एक उनके लिए कैटलॉग बनाइए। सर एक महीने पहले यही विचार मेरे ख्याल आया जी, और मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास गया, उन्होंने मुझे मिलवाया कंसर्न ऑफिसर से जी, और उन्होंने मुझे दे दिया और उन्होंने एग्री भी कर लिया। अरे वाह, अब इतना जल्दी कि कब से कब वो काम शुरू करें, उसके लिए मुझे दुनिया के कई देशों में घूमना पड़ेगा, पुर्तगाल में, फ्रांस में, बर्मा में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में जी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किशोर जी की ये विश जरूर पूरी हो। ये इरोज टाकीज है, ऐतिहासिक टाकीज है, मुंबई की शान, उसका रिनोवेशन चल रहा है अभी। अपने जमाने की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग। वेलकम वेलकम सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। विश्व के सबसे महानस्थी पॉइंट में जी, विश्व के भारत के तो बहुत देखा होगा आपने, विश्व के लंदन में काम करते हैं। केक आ गया है, केक, क्या केक आया मालूम है? जलेबा। केक के जैसा शक्ल है, छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, हाथ में केक चिपकेगा भी नहीं और जूठा भी नहीं होगा। दोस्तों किशोर झुंझुनवाला जी की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी है और बहुत दूर दूर से लोग आ चुके हैं। शैलेंद्र भंडारे जी जो ब्लैक शर्ट में हैं वो लंदन से आए हैं। तो ये प्यार है, ये सत्कार है लोगों का किशोर झुंझुनवाला जी के प्रति। गिरीश वीरा जी आए हैं, गिरीश वीरा जी बॉम्बे के ही हैं, ओसवाल ऑप्शन। फारूक टोडीवाला जी टोडीवाला ऑप्शन के, केजात भाई टोडीवाला ऑप्शन के, फारूक टोडीवाला जी के बड़े बेटे। ये हमारे फ्रेंड है तेजपाल जी शाह, ये अहमदाबाद से आए खास, अभी आए, शाम को चले जाएंगे। हेलो सर, जलेबी का बाप जलेबा। केक, मॉडर्न केक।
सर, आप किशोर भाई के 80वें बर्थडे पे आए हैं, तो आप किशोर जी के लिए आप क्या विश करना चाहेंगे? किशोर भाई के लिए तो हमको वो हिंदी गाना है ना, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, ऐसी फीलिंग है। किशोर भाई हमारे ताऊ जैसे लगते हैं, बहुत बड़े हैं हमारे से रुतबे में, उम्र में, एक्सपीरियंस में, सभी। और इन्होंने हमको नहीं, सैकड़ों लोगों को इंडिया में राह दिखाई है न्यूमिस्मेटिक्स में, नोट्स में। आज उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनके मूल कलेक्शन से फिर दूसरे भी बहुत लोगों ने प्रेरित हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनका जो योगदान है इस फील्ड में वो अनकम्पेरेबल, अतुलनीय योगदान, अतुलनीय योगदान है। तो इसीलिए मैं यही विश करूंगा कि ये सदा सदा हमारे सर पे बने रहे, उनके आशीर्वाद से हम सब ऐसे ही फूलते रहे और आगे बढ़ते रहे। जरूर सर, आपके सिर पे जी, ये बहुत बड़ी हस्ती है जी। मैं एवज एमडी ऑफ बीआरबी एनएमपीएल बस काजा सुधाकर, नाइस टू मीट यू। खास हमको मिलने को आए जी। 16 हो गए या 15 के ही अभी? नहीं, अभी 15-16 के ही, 15-16 के। इंडिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूमिस्मैटिक है और ही प्रोड्यूस द फर्स्ट डेफिनेटिव वर्क of Indian numismatics, our currency का जो story इसने दिया था, so that is how we had also called him to our BRB and MPL several times. तो अच्छा है, deep knowledge है, और वैसा है somebody had to start it in India and he is the first person. आपको खिलाया गया नहीं मैंने? मैंने तो अभी, मैं इनको last month ही मिला हूँ, first time. मैं एयरपोर्ट पे था तो इनका मैंने वीडियोस देखा है, तो मैंने देखा ये सब पहचानता है, आई एम सो लकी टू मीट हिम। तो मैंने इनको जाके हक किया और इनको मिला कि मैं आपको जानता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हम लोग बैंगलोर जा रहे थे, तो हम लोग साथ में थे, फिर बैंगलोर हम लोग कीर्ति पारेख साहब के साथ मिले। तो आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू दिस। ओह वेरी गुड। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, ये भी खड़े हैं, किशोर जोहा भाई को वाटर टिकट आएगा मेरा एयरपोर्ट पे आएगा पकड़ने को। बोला यार यूट्यूब में देखा ये वो है, इनको पता नहीं, पाते मालूम पड़ेगा मैं गांधी कर, बोले मैं मालूम पड़ेगा इंक है मेरे पास ओरिजिनल, मैं बोला मेरे पास तीनों पैंकर इंक नहीं है, ये आज इंक लेके इधर आए मेरे को देने, लेके गांधी इंक। तो गांधी की चीज़ तो मेरी जिंदगी में चल चल के आती है मेरे पास। जो वीडियो देखे होंगे आपने वीडियो पे, जो इनके इनके वीडियो देखता हूं, इनका फैन हूं। ऐसी कृपा है गांधी जी की, गांधी जी की मिसिंग चीज चल के आती है मेरे पास। आज नहीं, 25-30 वर्ष हो गया, कहाँ कहाँ से लोग ला के दे जाते हैं। देखिए ये ओरिजिनल मोंट ब्लांक इंक है, मेड इन ऑस्ट्रिया, एंड दिस इज 50 ml सैफ्रॉन इंक। रेयर से रेयर आपने को पेन लिया, मैंने 25-30 लाख के पेन है, किसी ने बोला भी नहीं कि इंक आती है। आती तो मैं ले लेता। ये देखिए 2014 का इंक है, इसका जो वैल्यू है पैकेजिंग और बॉक्सिंग और इसका जो कलर है सैफ्रॉन इंक बहुत स्पेशल है। और ये बैन हो गया मोंट ब्लांक का, इट्स नॉट बीन सोल्ड एनीमोर इन इंडिया। बार बार ये दिन आए, बार बार बाइक पहनी, बार बार ये दिन आए, बार बार ये बहुत बड़े फैन है, सीलिंग फैन, पेडिस्टल फैन, फलाना फैन, सब फैन। खेतान हम, खेतान है, खेतान और कोलार। थैंक यू, आई विश फ्रॉम माय हार्ट। बना है सर, आप बड़े उस पे लोग हैं। जिंदन वाला जी, वेरी हैप्पी बर्थडे सर। Thanks for calling me and I'm being a part of your birthday. I'm so honored. Thank you so much. ये क्या मैजिक है? उठाइए।